गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। हेल्दी रहने के लिए और लंबा जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम साफ हवा में सांस लें। लेकिन जब भी हम पॉल्यूशन की बात करते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में आउटसाइड एयर पॉल्यूशन का ही ख्याल आता है, जैसे कि कार्स में से निकलता हुआ धुआं या फैक्ट्रीज की चिमनीज में से निकलता हुआ धुआं। पर फैक्ट ये है कि जो इंडोर एयर पॉल्यूशन है वो आउटडोर एयर पॉल्यूशन से ज्यादा होता है। और दूसरा फैक्ट ये भी है कि हम ज्यादातर समय, तकरीबन 90% पूरे दिन का समय, हम इंडोर ही व्यतीत करते हैं। तो इंडोर एयर पॉल्यूशन को रिमूव करने के लिए, घर के अंदर जब हम सांस लेते हैं उस हवा को साफ करने के लिए, मोदी केयर आपके लेकर आया है मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर। ये प्रोडक्ट इंडोर एयर को 99.97% तक क्लीन कर देता है। तो इस अनबॉक्सिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट को इंस्टॉल करना है और यूज करना है। लेकिन उससे पहले मैं कुछ फीचर्स के बारे में बता देता हूं। मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर में हमने यूज किया है 3-in-1 फिल्टर, जिसमें कि सबसे पहले है प्री फिल्टर, दूसरा है हेपा फिल्टर और तीसरा है कार्बन फिल्टर। ये तीनों फिल्टर्स मिलकर 99.97% तक एयर को क्लीन कर देते हैं। इसके अलावा इसमें हमने एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसे हम कहते हैं यूवी एलईडी। यूवी एलईडी हवा में पाए जाने वाले माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया या वायरसेस, उनको भी खत्म कर देते हैं। एंड इट्स वेरी वेरी इजी टू यूज एंड इंस्टॉल। तो आइए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कितना आसान है इस प्रोडक्ट को यूज करना। तो सबसे पहले एक कटर की मदद से इस बॉक्स को ओपन करते हैं। मैं इस बॉक्स को ओपन कर रहा हूं। काफी अच्छी पैकेजिंग में आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, आपको एक इसमें मिलेगा वारंटी कार्ड और दूसरा मैनुअल। कैसे इस प्रोडक्ट को यूज करना है, क्या क्या इसके फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, ये सारा कुछ इस मैनुअल में लिखा हुआ है। लेकिन प्रोडक्ट को यूज करना इतना आसान है कि मैनुअल को पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। सो मैनुअल को छोड़ देते हैं। ये हमें मिला वारंटी कार्ड। जब भी आप इस प्रोडक्ट को परचेज करें अपने लिए या अपने किसी कस्टमर के लिए, इस वारंटी कार्ड में कुछ इंफॉर्मेशन जरूर डाल लें, जैसे कि आपका नाम, आपका एमसीए नंबर एंड द सीरियल नंबर, और इसके अलावा इनवॉइस डेट। और फिर इस वारंटी को आप रजिस्टर कर लें। याद रहे 3 साल की वारंटी है और वारंटी को रजिस्टर करना बहुत जरूरी है। और इनवॉइस नंबर जरूर मेंशन करें एमसीए नंबर के साथ और सीरियल नंबर के साथ। मैं आपको बता देता हूं कि आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर कहां से मिलेगा। सो प्रोडक्ट का सीरियल नंबर इस प्रोडक्ट के साइट पर ही लिखा होगा। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर आपको इस प्रोडक्ट का सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये सीरियल नंबर इस वारंटी कार्ड में लिखना ना भूलें। प्रोडक्ट को रजिस्टर करने के लिए आप जाइए airpurifier.modicare.com पर, क्लिक करें रजिस्टर योर प्रोडक्ट के ऊपर। ये एक फॉर्म ओपन होगा, रजिस्टर योर प्रोडक्ट, सारी इंफॉर्मेशन इसमें डालें और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर दें और बहुत ही आसानी से आप अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर कर सकते हैं। या अगर आप चाहें तो आप मोदी केयर के आजादी कॉल सेंटर नंबर या कुकू के कॉल सेंटर नंबर पर भी कॉल करके आप प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आइए प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। सो बहुत ही अच्छी पैकेजिंग है, जैसे आप देख रहे हैं काफी अच्छे तरीके से इसको पैक किया गया है। ये फॉर्म डाला गया है ताकि किसी भी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी डैमेज ना हो। और प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए, इस डिवाइस को बाहर निकालेंगे, इट्स सो इजी। एक हैंडल दिया गया है और इस हैंडल की मदद से मैं इस प्रोडक्ट को बाहर निकाल सकता हूं। इसके कार्टन को नीचे रख देते हैं और ये प्रोडक्ट हम टेबल के ऊपर रख देते हैं। सो आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है एक पॉलिथिन में। इस पॉलिथिन को हटा देते हैं, इस सारी चीजों को हम साइड पे रख देते हैं। सो दिस इज द मोदी केयर कुकू एयर प्योरीफायर, वेरी वेरी गुड लुकिंग। नाउ इस प्रोडक्ट को यूज करने से पहले बहुत जरूरी है कि इस प्रोडक्ट के फिल्टर को हम एक बार निकालें और दोबारा से इंसर्ट करें। सो आप देखेंगे कि इसके बैक साइड पे
यहां पर अंदर फिल्टर होगा और इस फिल्टर को पहले हमें बाहर निकालना है, उसको अनरैप करना है और दोबारा डालना है। तो इस टेप को हम पहले हटाएंगे, इस बटन को प्रेस करके इस फिल्टर के कंपार्टमेंट को हम खोलेंगे। अंदर ये फिल्टर है, इसको हम बाहर निकालेंगे खींचकर। आप देख रहे हैं कि इस फिल्टर को भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस पॉलिथीन में रैप किया गया है। क्यों रैप किया गया है? ताकि फिल्टर में कुछ भी गंदगी ना आए। इस पॉलिथीन को हमें हटाना है तो इसको फाड़ देंगे और फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे और इस फिल्टर को दोबारा से हम इस कंपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे पुश करके। ध्यान रहे कि जो ये स्ट्राइप्स हैं ये बाहर की तरफ रहें, ताकि जब आप अगली बार फिल्टर को बाहर निकालना चाहें या रिप्लेस करना चाहें तो इसको खींच के आप बाहर निकाल सकते हैं और फिर इसके को हम दोबारा से बंद कर देंगे। तो इसको प्रेस करें, यहां पे लगाएं और ये बहुत इजीली बंद हो जाता है और टेप को दोबारा से यहां पे आप लगा सकते हैं। तो नाउ दिस प्योरीफायर इज रेडी टू यूज। अब हमें क्या करना है? सिर्फ प्लग एंड प्ले। बहुत लंबी इसके साथ एक हमें कॉर्ड मिल रही है, काफी लंबी तार है, इसको हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाएंगे और इसको यूज कर सकते हैं। तो आइए अब इसको दिखाते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिकल सॉकेट में लगाते हैं तो किस तरह से ये स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसके पैनल की तरफ देखते हैं। आप देखेंगे कि इसमें चार बटन हैं। पहला बटन है ऑन ऑफ, नेचुरली डिवाइस को ऑन करना या ऑफ करना। दूसरा बटन है मोड का, आप मोड सेट कर सकते हैं। चार तरह के मोड्स हैं, हाई, मीडियम, नाइट एंड ऑटो। तीसरा बटन है टाइमर का, आप प्री सेट कर सकते हैं कितने घंटे तक ये डिवाइस चले, 2 hours, 4 hours या 8 hours। और चौथा बटन है लाइट का, रात को सोते समय अगर इसकी लाइट डिस्टर्ब करे तो आप लाइट को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे कि फिल्टर चेंज का इंडिकेटर भी है। अगर फिल्टर चेंज करने की जरूरत है तो ये इंडिकेटर रेड हो जाएगा। तो आइए अब इस डिवाइस को ऑन करते हैं। जैसे ही मैं ऑन बटन को प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के लिए, रफली अबाउट 25 सेकंड्स, ये लाइट्स ब्लिंक होंगी डिफरेंट कलर्स में। ये दिखाता है कि ये डिवाइस जो है शुरू हो रही है या बूट हो रही है। आप मोड बटन को प्रेस करके मोड चेंज कर सकते हैं, अभी हाई पर है, लेकिन अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये ऑटो पे आ जाएगा, दोबारा प्रेस करूं तो ये नाइट पर आ गया और दोबारा इसको प्रेस करूं तो ये मीडियम पर आ जाएगा। और अब आप ये भी देखेंगे कि इस समय जो लाइट है वो ब्लू के ऊपर स्टेबल हो चुकी है। ब्लू लाइट का मतलब है कि जिस रूम में हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां की एयर क्वालिटी एक्सीलेंट है। अगर ये लाइट येलो होती तो एयर क्वालिटी मीडियम होती और अगर ये लाइट रेड होती तो एयर क्वालिटी बहुत पुअर होती। तीसरा बटन है टाइमर का, यहां पर हम प्रेस करके प्री सेट कर सकते हैं 2 hours, 4 hours या 8 hours के लिए। और चौथा बटन है लाइट का, अगर आप रात को सोते समय चाहते हैं कि लाइट ना आए तो इसको आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस एयर प्योरीफायर को यूज करना कितना आसान है। सिर्फ पहली बार यूज करते हुए आप फिल्टर को बाहर निकालें, अनरैप करके दोबारा अंदर डाल दें, उसके बाद इट्स सिंपली प्लग एंड प्ले। सो विशिंग यू लॉट्स ऑफ हेल्थ, लॉट्स ऑफ क्लीन हेयर एंड लॉट्स ऑफ आजादी। थैंक यू सो मच।